हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, प्रूव दैट x अपॉन a पावर 2 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन है मेरा x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको क्या चाहिए, x अपॉन a चाहिए और y अपॉन b चाहिए। तो x अपॉन a यहां से मिल सकता है। कैसे, ये a इधर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इधर भेजते हैं तो डिविजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा। ठीक है, हमको x अपॉन a चाहिए था, आसानी से मिल गया। जस्ट वैसे ही यहां पर भी b को इधर भेजेंगे तो डिविजन में हो जाएगा। तो y अपॉन b इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो x अपॉन a और y अपॉन b दोनों का वैल्यू निकल गया। अब यहां पे क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ LHS इज इक्वल टू, क्या है LHS मेरा, x अपॉन a का पावर 2 अपॉन 3 है प्लस y अपॉन b का पावर 2 अपॉन 3। ठीक है, x अपॉन a का वैल्यू क्या है, cos क्यूब थीटा। तो यहां पे हम लिख देंगे cos क्यूब थीटा पावर 2 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b किसके इक्वल है, sin क्यूब थीटा के, और यहां पे भी पावर 2 अपॉन 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। cos क्यूब थीटा को हम cos थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और यहां भी पावर है तो ये पावर और ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इंटू 2 अपॉन 3 प्लस। जस्ट वैसे ही इसको हम साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये पावर जो है 2 अपॉन 3 जो है, ठीक है, 2 अपॉन 3 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल यहां भी और यहां भी, तो हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर भी क्या बचेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और वही हमको प्रूफ करना था, यानी कि RHS। तो therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफी आसान क्वेश्चन था, केवल x अपॉन a का वैल्यू निकालना था, y अपॉन b, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना था। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।